यात्रीगण कृपया ध्यान दें, निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर आने वाली और जबलपुर से निजामुद्दीन जाने वाली इस खास ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों के लिए खास सुविधा मुहैया कराई है। आप पैसे भले ही यात्रा का देंगे, लेकिन साथ में सुविधा किसी हिल स्टेशन वाली भी मिलेगी। मतलब अपनी सीट पर बैठे बैठे ही आप झरने का आनंद उठा सकते हैं। देखिए ठीक ऐसी ही सुविधा जैसी इन यात्रियों को मिली है, सफर एसी कोच में कर रहे हैं, लेकिन साथ में सीट पर बैठे बैठे ही मुफ्त में मजे झरने के ले रहे हैं। देखिए एसी कोच की छत से कैसे नॉन स्टॉप पानी की बौछार गिर रही है। ऐसे में किसका मन इस ट्रेन का सफर करने को न मचल जाए। खैर ये आपको खबर बताने का तरीका था, लेकिन देखिए तो सही एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क यानी भारतीय रेल का क्या हश्र हो गया है। इंडियन रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देश के बजट में रेलवे के लिए अलग से बजट निर्धारित किया जाता है ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, लेकिन सुविधा तो छोड़िए असुविधाओं की ही भरमार है। जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस की एसी कोच में अचानक से छत से पानी गिरने लगा। इस दौरान अपर बर्थ पर सो रहा एक यात्री घबरा कर जाग गया। झरने की तरह ये पानी लोअर बर्थ पर बैठे यात्रियों पर गिर रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रेन चलने के दौरान अचानक से एसी में खामी आ गई, जिससे बाहर के बजाय अंदर पानी गिरने लगा। ट्रेन की छत से अचानक पानी गिरता देखकर यात्री हैरान रह गए। इस दौरान किसी यात्री ने इसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तंज कसते हुए लिखा है, रेल मंत्री जी क्या बात है, आपने तो यात्रियों को ट्रेन में झरने की सुविधा दे दी। यह अनोखा झरना जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस में देखा गया। लोग यात्रा भी करें और झरने का मजा भी लें। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर इसे मरम्मत कर दिया गया है, जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस ट्रेन को दोबारा सेवा में लगाने से पहले मरम्मत और रख रखाव का पूरा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन रख रखाव का क्या कहिएगा, ये मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है। किराया भी दूसरी ट्रेनों से ज्यादा, लेकिन सोमवार की ही बात है, इंजन ने चलते चलते और आगे चलने से इनकार कर दिया था। इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन पर तब यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया था। पुरानी इंजन से खींचकर फिर वंदे भारत को मरम्मत के लिए ले जाया गया था। कांग्रेस ने इस वीडियो को भी एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था, बीजेपी का इंजन फेल हो गया, कांग्रेस का इंजन उसे खींच रहा है। इससे और थोड़ा पीछे चलिए, रविवार की बात है, दिल्ली से चलकर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस का हाल देख लीजिए। बक्सर के नजदीक पटरी पर दौड़ते दौड़ते अचानक मगध एक्सप्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। सोचिए इस ट्रेन में बैठे मुसाफिरों का क्या हाल हुआ होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।